नमस्कार दोस्तों, आज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपक। आज भाई आए हैं अपन अपने खेत पर, क्योंकि बोनी की थी अपन ने 3 तारीख को, 4 को, 5 को। उस दिन से अभी तक अपन खेतों पर नहीं आए अपने, और आज बारिश खुली है, इस वजह से अपन खेत पर आए हैं। और 4-5 दिन से अपने यहाँ पे बराबर बारिश चल रही थी, इस वजह से अभी खेत पर नहीं आ पाए अपन। और आप देख ही सकते हैं पीछे खेतों में कि चारों तरफ हरियाली है और पानी भी भरा हुआ है खेतों में। इस वजह से आज थोड़ा राहत है अपन को, इस वजह से अपन खेत पर आ चुके हैं और पहुंचते हैं खेत पर, मिलते हैं आपको, बने रहिए वीडियो। पैदल आने से अपन देखो फुल किसान में है, मुंडे जूता भी पहने हुए हैं। और गाड़ी और ट्रैक्टर बारिश शुरू होने से हमारे यहाँ खेतों पर फिर नहीं जा पाए थे, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी रहता है खेतों में। इस वजह से अपन खेतों पे नहीं पहुँच पाते ट्रैक्टर से, और ना ही गाड़ी निकल पाती है। और भाई अपने खेत पर आ चुके हैं, देखिए आप, ये रहा अपना सोयाबीन। ये अपन ने बोया था 3 तारीख को और आज है 15 तारीख। तो भाई उस दिन से आज आए हैं अपन खेत पर और ये बोई है अपन ने मक्का। तो भाई ये थोड़ी बेगरी हो चुकी है, दूर दूर पेड़ हैं इसके, देखिए आप। और पिलाऊ वाला खेत है भाई, धस रहे हैं अपन। और भाई ये सोयाबीन अपना अच्छा जमा है, काफ़ी अच्छा जमा है, देखिए आप। और दूसरे लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं जमा, और दोबारा से उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, खेत में जोत दिया उसको। और देखिए आप कितना बेहतरीन सोयाबीन है। अपन अभी खेत में नहीं जा पा रहे हैं, थोड़े आगे चल के अपन खेत में जाएंगे, दिखाएंगे आपको कितना बेहतरीन सोयाबीन है अपना। और भाई मक्का दूर दूर रहने का कारण यह है कि अपन ने 3 तारीख को बोया था, इस वजह से इसको 8 तारीख को बारिश हुई थी। तो इतने दिन खुला रहने से यहाँ की ज़मीन सूख गई थी, इस वजह से जो दाना फूल गया था वो वापस खराब, सूखने के कारण खराब हो गया, इस वजह से मक्का भी बिगड़ी, जमी हुई है अपनी। और देखो खेतों में पानी, देखिए आप, भाई देख रहे हैं आप, सोयाबीन जमने का बहुत ही शानदार है। अपन ने इसमें दवा मिलाई थी जो बीज को अच्छा अंकुरण देने के लिए अच्छी होती है, वो दवा का कारण है अपना सोयाबीन। आप किस कदर कितना अच्छा जमा हुआ है। और भाई ये वही जगह है जे वाली, जहाँ पे अपना बोनी करते समय सोनाल का फंस गया था, देखो ये लीक भी है आज भी। ये वही जगह है जहाँ पे अपना सोनाल का जमा फंसा हुआ था और अपन ने सुराज से उसको निकाला था।
देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और कितना नुकसान हो गया है इसमें, देखो आप। तो भाई 4 दिन की बारिश से बहुत नुकसान हुआ है हमारे यहाँ फसल को, और भाई उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि हमारे आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे भाई कुछ नहीं बचा, सीधा उन लोगों ने पंजा चला दिया खेतों में, बोल रहे हैं कि फसल जमी ही नहीं। और ये अपने उड़दा हैं भाई, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, देखो यहाँ से पानी जाता है पूरा, वहाँ से आता है नहर के पास से पूरा पानी सीधा यहाँ से नीचे नीचे हो, और यहाँ से सीधा यहाँ नाले में चला जाता है। तो इसको अपन अगली बार सुधारेंगे, इसको एक तरफ पानी कर देंगे जिससे अपना खेत भी बच जाएगा और पानी भी निकल जाएगा। और भाई ये रहे अपने उर्दा, तो उर्दा अच्छे जमे हुए हैं, कचड़ा हो चुका है अब शुरू। तो अब डालेंगे अपन खरपतवार की दवा, और दवा डालते हुए भी आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्रकार और कैसी दवा डाली अपन ने खेत में। और भाई देखो दूर दूर तक आपको हरियाली दिखेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छी फसल रही इस बार। जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है रुकता है, वहाँ पे तो फसल वैसे ही मर जाती है कुछ भी हो वो चाहे, तो इस वजह से उतना नुकसान भी नहीं देखा जाता। और भाई देखो ये उड़दा है एक किसान भाई की, जिनका वो महिंद्रा है भाई, उनका है ये खेत। और देखो यहाँ पे भी उनका पानी भरा हुआ है। तो भाई वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।